नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास शुक्ला जुड़ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई अपडेट के साथ। अगर कोई माताएं बहनें भी देख रही हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई एस्पिरेंट्स देख रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी माताएं बहनें इसके अंतर्गत आती हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का। तो यह देखते हैं लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना एक चर्चित योजना है लाडली बहना योजना के बाद, क्योंकि पूरी सरकार अभी जो नई बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ही देन थी। एक बड़ा फैक्टर काम किया था मोहन यादव जी और अभी लोकसभा में, क्योंकि यहाँ सीधे 1250 रुपए प्रतिमाह लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अब और एक आगे कदम लिया है सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी को बनते ही आवास योजना पर यहाँ स्वीकृति दी गई। लाडली बहना आवास योजना मकान बनाने में अब कितने लाख रुपए मिलने वाले हैं, कब आएगी पहली किस्त, तो ऐसे सवालों की जानकारी देने के लिए मैं विकास शुक्ला जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ। तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, हम जानते हैं क्या है इस योजना के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं हम कि क्या होने वाला है। तो लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे, तो पक्के घर दिए जा रहे हैं। अब पक्के घर बनवाने के लिए बहनों को 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो लाडली बहनों को यहाँ जो ग्रामीण अंचल की है पक्के मकान बनाने के लिए 1,20,000 की यहाँ सहायता राशि दी जाएगी। ताजा अपडेट के अनुसार पहली किस्त उन्हें 25,000 रुपए की दी जाएगी। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले कितने पैसे आएंगे तो 25,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। पूरा पैसा कितनी किस्तों में आपसे पूछा जाए तो 4 किस्तों में पूरा पैसा आपको मिलने वाला है। लाडली बहनाओं के खाते में सीधा ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जुलाई अगस्त में अब कब आएगी इसकी पहली किस्त, जिसका है इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार। तो भैया इंतजार जिसका था वो आने वाली है, क्या जुलाई अगस्त में आ सकती है पहली किस्त। बताया जा रहा है कि लाडली बहनों का मकान का सपना पूरा करने के लिए सरकार जल्दी उनके खातों में पहली किस्त 25,000 की डालने वाली है और लगभग 4 किस्तों में ये पूरी धनराशि यहाँ हस्तांतरित की जाएगी, जिसमें पहली किस्त 25,000 की डाली जाएगी। तो ये जुलाई से अगस्त में आ सकती है पहली किस्त। तो ये मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया, 17 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। ये पंचायत दर्पण जो ग्रामीण अंचल के अंतर्गत पंचायतों का पंचायती राज का एक पोर्टल है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की स्वीकृति जब दी गई थी उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उनके द्वारा ये मंत्रिपरिषद की का यहाँ अध्यक्षता करके तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यह निर्णय दिया गया था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों को, 4,75,000 से भी अधिक हितग्राहियों को यहां ये इसका लाभ मिलने वाला है। मतलब 4.5 लाख के समथिंग लोगों को, महिलाओं को, बहनों को, लाडली बहनाओं को यहाँ इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना में 3,78,662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तो अगर आप, आपकी माताएं बहने आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और वहां उनने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया था तो यहाँ 3,78,000 जो फॉर्म है ये डायरेक्ट यहाँ से भर दिए जाएंगे। इसके अलावा योजना का लाभ MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित, जिनके छूट भी गए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसे 97,000 परिवारों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ तो किसको लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है, जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है। पंचायत की वो आपने बूढ़ी अम्मा देखी होगी जो एक घर के लिए क्या करती है, यहाँ पर अपने बेटे, अपने नाती बोल सकते हैं कि नाती से, जगमोहन से दूर रहने लगती है और बोलती है बार बार बाकी सब तो ठीक है, बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। देखा होगा आपने पंचायत, तो यहाँ
मकान नहीं है जिनके पास पक्की छत वाले, उनके उनको यहाँ पात्रता है, अथवा दो दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हैं, और दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में वो निवासरत हैं। मोटर युक्त चौपहिया वाहन के स्वामी ना हो, अब ऐसा ना हो कि चार पहिया हो और मांगने चले हो, है ना, तो चार पहिया ना हो उनके पास, जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, और उनके परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, उसकी मासिक आय 12,000 या उससे भी कम हो, महीने की है ये, सालाना नहीं है, ठीक है। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हो, ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स दे रहा हो और गाड़ी महीना को आवास चाहिए, और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो, अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो, तो वह महिला इस आवास योजना के लिए पात्र है, जिसकी किस्त जुलाई के अंतर्गत आने वाली है। जुलाई या अगस्त में यह किस्त आएगी, और पहली किस्त 25,000 की आएगी, तो लाडली बहनों के लिए यहाँ पर अब फिर से सीएम साहब का तोहफा आने वाला है। तो इसके लिए आपको, अगर आपने पंजीकरण अभी नहीं किया है और आप इसके पात्र हैं, तो जल्दी कीजिए और अभी इसमें अपनी पात्रता फॉर्म को फिल करके आगे बढ़िए, और लाडली बहनों को यहाँ आवास अब मिलने वाला है। तो मकान बनाने के लिए अब इतने लाख रुपए मिलेंगे, ये मैंने आपको बताया, पहली किस्त कब आएगी ये बताया। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और अपनी माताओं बहनों के पास जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और यह योजना कब प्रारंभ हुई ये हमारे एस्पिरेंट्स को भी जानने को मिला, और इसके अंदर क्या है इस योजना में ये भी हमारे एस्पिरेंट्स ने जाना। तो आप सभी ऐसे वीडियोस के लिए निरंतर बने रहिए एग्जाम भूमि के साथ। मैं विकास शुक्ला आप सभी का शुक्रिया करता हूं वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और भी आपका कोई क्वेश्चन है किसी और मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर तुरंत वीडियो ले आएंगे। इसके अलावा अन्य वीडियोस भी हमारे डले हुए हैं, तो उनको भी जरूर देखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।